तो हेलो फ्रेंड्स, एफर्ट वर्ड में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज ये पोर्ट्रेट का लाइव सेशन है। जैसा कि पिछले लाइव सेशन में हमने किया था, हेयर से हमने ड्रॉ किया था, पहले हमने ड्रॉ किया था, उसके बाद वाटर कलर से हमने हेयर को बनाया। और आज इस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा आईज की वाटर कलर से आईज को कैसे बनाते हैं और क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको बनाएं। सो ओवरऑल सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। और आने वाले वीडियो में ऐसे ही ट्यूटोरियल लेके आएंगे और ये लाइव सेशन लेके आएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईज, अगर आईज हम बना रहे हैं वाटर कलर से, तो मैंने आपको ड्रो कैसे करते हैं आईज को मैंने बताया था आपको, उसका आईज को बनाने का मेथड क्या होता है मैंने आपको बताया था, आईज को शेड करने शेड कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। सो आई होप आपको याद होगा वो सारी बातें जो मैंने उस लाइव सेशन में आपके साथ शेयर की थी। सो मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया था। सो मैंने आपको कहा था कि आईज को बनाते हैं, तो जो आईज तो होती है वो तो ठीक है, बट आईज ना सर्कल होता है। अब इस सर्कल के अंदर हमारी आईज होती है, जो कि एक्चुअल में हमको सिर्फ आईज दिखती है, बट एक्चुअल में एक ऐसे सर्कल होता है और इस सर्कल में आईज बनती है। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यू से बताया था आईज के बारे में, और थोड़ा मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कि सपोज कि हमको कोई आईज बनानी है और सपोज कि साइड आईज है कोई, तो जिस वे में जिस हमारा जो आई का व्यू होगा उस करना क्या होगा, जैसे साइड में देखना, तो आपको एकदम सेंटर में अगर आईज इस साइड है हमारी, तो आपको आई बॉल बनाना है ऐसे। आपको शेप देनी है, जो शेप होती है एक्चुअल में आईज की, और जिसका भी आप देख के बना रहे हो आईज, तो उसका जो स्ट्रक्चर है आईज का, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीन में विजिबल हो जाए। तो ऐसे आईज बनाए थे हमने। आईज होगी हमारी, और मैंने आपको आईज को बनाने का दूसरा तरीका बताया था। आपको पता है कि आईज हमारी फिश की शेप में होती है, तो जैसे कि आपको पता है ये है फिश। अब हमको बनानी है आईज, तो हमको इसको इरेज कर देना है, देन इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे और आईबॉल बना देना।
आईबॉल पूरी होती है, आईज पे डिपेंड करता है। अगर आईज ज़्यादा खुली है तो आईबॉल हमको पूरी दिखेगी, अगर थोड़ी कम है तो वो कम दिखेगी। बट ये पूरा सर्कल होता है। तो देखा आपने कि मैंने कैसे आपको बताया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा था। अब हम आते हैं टॉपिक पर, जो हमारा मेन टॉपिक है कि आईज में वाटर कलर को कैसे करें, आईज में वाटर कलर कैसे करें। सो हम एक आईज बनाएंगे बड़ी सी, और उसमें हम उसमें वाटर कलर करते हैं, जिससे कि आईज बड़ी हो, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और दिख सके, अच्छे से विजिबल हो आपकी स्क्रीन पर। तो आईज को बनाने आज हम उस मेथड से बनाते हैं कि अगर कोई हम सामने वाली आईज है तो हमको पता आईज हमारी होती है। ऐसे ही कर देना है। अब उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है ना, कि कैसे आईज की ड्राइंग है, कैसे जितना ऊपर उठ रहा है उसको ऊपर ऐसे उठा दो, देन कितना किस एंगल पे ऐसे बैंड हो रहा है वैसे कर दो। हमारी आई बोलोगी इसको ना प्रॉपर ऐसे पूरा बनाए करो, क्योंकि अगर ऐसे बनाओगे तो आप उसको रफ भी कर सकते हैं, सेज कर सकते हैं, जिससे कि अगर बनाओगे तो वो प्रॉपर सर्कल दिखेगा। अगर ऐसे डायरेक्टली आप ऐसे ऐसे करोगे तो फिर वो थोड़ा ठीक नहीं होगा, गलत होगा, गलत हो जाएगा। सो आपको प्रॉपर ओवल ऐसे सर्कल लेना है।
सही है, हमारी ड्राइंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसमें हम वाटर कलर करेंगे। इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं जिससे कि हमारे वाटर कलर में ग्रेफाइट ना आए और वो हमारे कलर को डल ना करे। सो ये हमारी आईज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें वाटर कलर करेंगे। पहले इसको हम ड्राई करेंगे थोड़ा सा और वेट करेंगे पेपर को, वेट अच्छे से करके उसके बाद एक लेयर मार देंगे हम किसी भी कलर की। आपको येलो की लेयर मारने से, क्योंकि कलर ब्राइट होता है और काफ़ी अच्छे से हम उसमें कलर ऐड कर सकते हैं। लेयर क्लियर मार देंगे फर्स्ट लेयर। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे उसमें कलर ऐड कर रहा हूँ।